प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। इस बार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर विशेष योग बन रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार ऐसा संयोग 474 साल बाद बन रहा है। इस बार रक्षाबंधन पर चंद्रमा और गुरु कुंभ राशि में उल्टी चाल चलेंगे। गुरु और चंद्रमा की इस युक्ति से रक्षाबंधन पर गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार शोभन अमृत और गज केसरी योग में मनेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस संयोग को बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। ग्रंथों में सावन मास की पूर्णिमा तिथि को पुण्य प्रदायक, पाप नाशक और विष तारक यानी विष नाशक भी माना जाता है, जो खराब कर्मों का नाश करता है। इस दिन 6 कार्य अनिवार्य रूप से करने चाहिए, जिसमें पहला है रक्षाबंधन का त्यौहार। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि 22 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं। दूसरा काम, जनेऊ बदलनी चाहिए। इस दिन उत्तर भारत में जनेऊ बदलने का काम भी होता है, जिसे श्रावणी उपाकर्म कहते हैं। दक्षिण भारत में इसे अपितम कहा जाता है। श्रावणी उपाकर्म में यज्ञोपवीत, पूजन और उपनयन संस्कार करने का विधान है। तीसरा काम, तर्पण कर्म। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण अर्पण भी किया जाता है। श्रावणी उपाकर्म में पाप निवारण के लिए पातकों, उपपातकों और महापातकों से बचने, पर द्रव्य अपहरण ना करने, पर निंदा ना करने, आहार विहार का ध्यान रखने, हिंसा ना करने, इंद्रियों का संयम करने एवं सदाचार करने की प्रतिज्ञा ली जाती है। स्नान और दान। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। श्रावण पूर्णिमा पर परंपरागत ढंग से तीर्थ औगाहन, दश स्नान, हिमाद्री संकल्प एवं तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। श्रावण पूर्णिमा में दान करने का भी महत्व है। इस दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत। इस दिन व्रत करने का भी बहुत महत्व रहता है। उत्तर और मध्य भारत में महिलाएं उपवास रखती हैं और अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसीलिए इसे उत्तर भारत में कजरी पूनम भी कहते हैं। इस दिन शिव, पार्वती, श्री कृष्ण, हनुमान जी, चंद्रमा, विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि रक्षाबंधन के दिन विधि विधान से इनकी पूजा करने पर सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।